Once upon a time, in a kingdom far away, there lived a little princess named Lily. She was kind-hearted and always eager to help others. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एनिमेशन वीडियो बनाने के बारे में बताने वाला हूं। जो तरीका मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, उस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने YouTube चैनल के लिए एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। फिर चाहे आपने ज़िंदगी में कभी कोई एनिमेशन वीडियो बनाई हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में हमें अपनी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए, एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप स्टोरी लिखना जानते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको स्टोरी लिखना नहीं आता तो आप चैट जीपीटी की मदद से एक अच्छी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ चैट जीपीटी की मदद से ही एक स्टोरी यहाँ जनरेट करने वाला हूँ। तो हमें यहाँ चैट जीपीटी में टाइप करना है जिस तरीके की स्टोरी हमें चाहिए, हमें वो यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, क्रिएट ए किड्स मोरल स्टोरी अबाउट ए लिटिल प्रिंसेस अंडर 200 वर्ड्स, और उसके बाद यहाँ एंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने यहाँ हमारी स्टोरी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब हमारी स्टोरी यहाँ पर ये जनरेट हो चुकी है। अब हमें चलना है अपने दूसरे स्टेप में। तो इसके लिए हम पहले एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है steve.ai। जब आप ये टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने साइनअप का ऑप्शन आएगा, साइनअप पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे साइनअप करने के लिए, गूगल से, फेसबुक से, अपनी ईमेल से। आप जिस तरीके से भी साइनअप करना चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ गूगल से करता हूँ, तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपने अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू वीडियो, उसके बाद ऑप्शन है टेक्स्ट टू एनिमेशन। तो हमें अभी एनिमेशन वीडियो बनानी है, तो हम यहाँ टेक्स्ट टू एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ही एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे कि टाइप ऑफ वीडियो। तो यहाँ एनिमेशन वीडियो है, हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ वीडियो रेशियो लिखा है, इसे 69 ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ लिखा है देखो कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपकी एनिमेशन वीडियो जिस तरीके भी है आपको वही ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनर वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है टाइटल का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने है अलग अलग टाइटल आ जाएंगे। अब आपको जो भी टाइटल सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ से जुम्बा स्टूडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है क्रिएट सैम्पल स्क्रिप्ट, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक सैम्पल स्क्रिप्ट आ गई है। लेकिन हमें जो अपनी वीडियो बनानी है वो अपनी खुद की स्टोरी से बनानी है जो हमने अभी चैट जीपीटी से जनरेट की थी। तो इसके लिए पहले हमें इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए देखो आपको दो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, माइनस प्लस। तो हम यहाँ माइनस पे क्लिक करते चले जाएंगे तो ये यहाँ से स्क्रिप्ट हट जाएगी। उसके बाद हमें आना है चैट जीपीटी पे और यहाँ से अपनी स्टोरी को हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद वापस आते हैं steve.ai पे और अपनी स्टोरी को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी स्टोरी यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर देखो इसके सीन जनरेट हो गए हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, इसी तरीके से 19 सीन जनरेट हुए हैं। उसके बाद देखो नीचे आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन है, इन्हें आपको कुछ नहीं करना। उसके आगे आपको तीन ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो हाईलाइट, उसके बाद ऐड वॉइस ओवर, उसके बाद है नीचे म्यूजिक। म्यूजिक जो है अभी यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली टिक हुआ हुआ है। अगर आप अपनी वीडियो में यहाँ म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसे टिक ही रहने दें। अगर आप इनका म्यूजिक नहीं लगाना चाहते तो आप इसे अनटिक कर दें। उसके बाद ऑप्शन है ऐड वॉइस ओवर, उसके बाद हम ऐड वॉइस ओवर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज ये इंग्लिश है, इसे इंग्लिश रहने देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है एक्सेंट का, एक्सेंट के नीचे आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जेंडर, जेंडर में जो अभी यहाँ पर एक्सेंट आपने सेलेक्ट किया है इंडियन का, तो इसमें अभी आपको फीमेल का ही वर्जन मिलेगा, मेल का नहीं है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है वॉइस का, अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो तीन नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, रवीना, अदिति और काजल। जो अदिति वाला है वो पेड है, यानी आप फ्री में इस वॉइस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो रवीना और काजल की वॉइस है आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से काजल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसे सुनना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सुन भी सकते हैं। हेलो, आई एम काजल फ्रॉम स्टीव, आई एम वन ऑफ द वॉइसेस यू कैन। उसके बाद यहाँ जनरेट वॉइस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने है कुछ डिजाइन आएंगे, टेम्पलेट आएगी। अब आपको अपनी वीडियो में जिस तरह का भी डिजाइन सेलेक्ट करना है सिंपल आप उस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मैं इस वाले को जो तीसरे नंबर का है इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे सीन यहाँ पर ये लोडिंग होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमारे सीन लोड हो जाएंगे
हमारी यहाँ पर वीडियो हमारे सामने शो होने लगेगी। ठीक है, अब देखो हमारी वीडियो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ से देखो आपको ये सीन दिखाई दे रहे हैं, सीन वन, सीन टू, सीन थ्री, सीन फोर। आप इसे प्ले करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्ले का, प्ले पे क्लिक करें। Once upon a time, in a kingdom far away, there lived a little princess named Lily. She was kind-hearted. ठीक है, अब आपको अपनी स्टोरी में यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज लेआउट का, आप चेंज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके लेआउट मिलेंगे। अब आपको अपनी वीडियो में जिस तरीका भी लेआउट लगाना है आप सिंपल उस पर क्लिक कर लें। मान लीजिए मुझे दूसरे नंबर का लगाना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखो ये लेआउट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज कलर का, आप चेंज कलर पे क्लिक करेंगे, ये कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर मिलेंगे। अपनी वीडियो में आप जिस तरह का भी कलर इस्तेमाल करना चाहें सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे और वो कलर आपकी वीडियो में यहाँ लागू हो जाएगा। अब ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑल का, अप्लाई ऑल पे क्लिक करें, उसके बाद अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दें तो अब जितने भी सीन आपने जनरेट किए थे सभी सीन में ये कलर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन है ट्रांजिशन का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी वीडियो में ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है कि जैसे हमारा एक सीन खत्म होने के बाद दूसरा सीन शुरू होगा तो यहाँ से हम जिस तरीके की भी ट्रांजिशन लगाएंगे उसी तरीके से यहाँ पर हमारा सीन दिखाई देगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सीन में किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी, वो नॉर्मली आपका सीन बदल जाएगा। अब आप इनमें से जो भी आपको दिखाई दे रहा है राइट लेफ्ट अप डाउन, इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक कर दें। मान लीजिए मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारी वीडियो में ये राइट वाली जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके लिए मैं एक बार आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। Once upon a time, in a kingdom far away, there lived a little princess named Lily. She was kind. उसके बाद नीचे ऑप्शन है सीन टाइम का, तो यहाँ से आप अपने सीन के टाइम को घटा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है यहाँ पे डुप्लीकेट सीन का, आप यहाँ से डुप्लीकेट सीन कर सकते हैं और अपने सीन को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो जो हमने अभी काजल की वॉइस ली थी वो यहाँ पे आ रही है। अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो पहले आप इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे क्लिक करके आप अपना वॉइस ओवर यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन मिल रहा है, आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो जो म्यूजिक हमने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आपको ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ अलग अलग म्यूजिक आ जाएंगे। अब आपको अपनी वीडियो में जो भी म्यूजिक लगाना है उस म्यूजिक को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सुनना है तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपका म्यूजिक यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें आपको अप्लाई करना है, सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑप्शन आ गया चेंज की वीडियो में ऐड हो जाएगा। हम कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब आपको अपनी वीडियो में जो भी कैरेक्टर लेना है सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे वो कैरेक्टर आ जाएगा। उसके आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने सीन में अपनी वीडियो में यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को आप लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर दें, वो ऑब्जेक्ट भी आपकी वीडियो में सीन में दिखाई देने लगेगा। अब आपने अपना कैरेक्टर भी चेंज कर लिया, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह लगाना है वो भी आपने लगा लिया। उसके बाद आपको और चेंजेस करना है, आप अपने कैरेक्टर के इमोशन को चेंज करना चाहते हैं, उसके एक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वापस हम क्लिक करेंगे कैरेक्टर पे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है चेंज एक्शन, आप चेंज एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक्शंस आ जाएंगे। अब आपको अपनी वीडियो के सीन में जिस तरह का भी एक्शन लगाना है सिंपल आप उस एक्शन पे क्लिक कर देंगे तो वही एक्शन आपके उस सीन में लागू हो जाएगा। मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला मुझे दिखाना है, क्योंकि अभी जो हमारे उस सीन में लड़की है वो खड़ी है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारी इसमें देखो अभी ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई आ गई। आप इसे इस तरीके से पकड़ के ना छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना बड़ा आप करना चाहें या छोटा करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको इसका एक्सप्रेशन चेंज करना है तो एक्सप्रेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहीं पे आप आएंगे चेंज एक्शन पे, उसी के आगे ऑप्शन है एक्सप्रेशन का, आप एक्सप्रेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देंगे। अब जिस तरीके का भी एक्सप्रेशन आपको लगाना है सिंपल आप उस पर क्लिक कर दें तो आपका जो कैरेक्टर है उसी तरीके एक्सप्रेशन देना शुरू कर देगा। अब आपकी वीडियो यहाँ से पूरी तरीके से कस्टमाइज हो चुकी है, आपको लगता है कि आपकी वीडियो अब तैयार है, आपको ये डाउनलोड करना है तो इसके लिए देखो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होने लगेगी। जब ये प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको आना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपके सामने यहाँ कई ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे नीचे एक ऑप्शन है माई एक्सपोर्ट्स का, हम माई एक्सपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। माई एक्सपोर्ट्स में आपकी हुई सारी वीडियो आपको दिखाई देंगी, जितनी भी वीडियो आपने जनरेट की होगी। तो जो वीडियो अभी हम जनरेट कर रहे थे, ठीक है, अभी उसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने ये दो ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। ये है डाउनलोड का, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन है प्ले का, यहाँ से आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी वीडियो हमारे सामने आ जाएगी। इस वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको अपने चैनल पर नहीं आनी है। उम्मीद करता हूँ एनिमेशन वीडियो बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। साथ ही ये उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।